पूरा इलाका हिला दिया इसने तो भाई। एक ये ले लिया और एक ये पप्पी ले लिया, ये दूध पिलेंगे तब इन्हें घर लेके चलेंगे। पानी के बीच में रख दिया सुतली बम। गाइस फाइनली दो पप्पी ले लिए, दोनों पप्पी को रोगी के पास ही छोड़ दिया। तो गाइस वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं सीएचओपी के व्लॉग। गाइस जैसे कि पता है आप लोगों को, कल इतनी सारी शॉपिंग कर दी थी और वो भी इतने पैसों की शॉपिंग कर दी थी, लगभग भाई इतना पैसा लग गया कि इतना पैसा लगा देता ना तो पापा मेरे खुश हो जाते, अगर मैं पापा को पैसे दे देता या घर में लगा देता। पापा को दिखाते हैं इतना पैसा लगाना सही है या गलत है। कहाँ लगा दिया? रुको जरा सबर करो, घर में ही है। अरे घर में ही है, अरे पापा घर में, अरे भी एक मिनट में दिख जाएगा पापा, पांच सेकंड में दिख जाएगा। देख रहा है, पापा मैंने इतना पैसा लगा दिया, तुम देख के हैरान हो जाओगे, बस एक बार तो देख लो। चल आ रहा मैं, चल। गाइस अभी पापा को दिखाने वाले हैं भाई, इतना पैसा लग गया यार जेब में से, इतना पैसा लग गया, पापा का रिएक्शन क्या होगा ये तो पता लगना चाह। इतना मोटा खर्चा कर लिया यार मैंने, ऐसे इतना मोटा खर्चा अगर मैं घर में कर लेता ना भाई बहुत काम हो जाते। मतलब घर में पेंट भी, पेंट तो रहा, मतलब क्या करना, कुछ भी नहीं करना करना, तो कुछ बैग इधर पापा, बैग इधर रहने दो। चलो तो गाइस पापा को दिखाते हैं भाई एक स्पेशल चीज। पापा आंख बंद कर लो, एक बार आंख तो बंद करो, पापा आंख तो बंद करो, आंख बंद तो करो। ले देख ला पापा, इतने पटाखे लाया, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। ये दुकान करेगा तो क्या करेगा? दुकान पटकाओगे? पटकाऊंगा, टिल्ले के पीछे लग जाए दो लाख रुपए तो लगे पापा। बस करेगा खेत इनका, मेरा ससुर है ये करेगा तू इनका, हवा में उड़ाऊंगा, हवा में उड़ाऊंगा। अरे पापा सुन तो, एक बार रुक तो पापा, सुन 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 सुन, तुम भी पटकाई आ जाओ, एक पटाखा पटका जाओ, एक और पिछले पटाखा पटका के जाइयो। दुकान करेगा तू, बेचेगा तू इन्हें पापा, दो लाख रुपए के पटाखों में क्यों हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा भाई, 50,000 की कमी पड़ गई, दे दो तुम। अरे तू इल्ला देख हम जा, अपनी बर्फी आप लोगों की परे की वजह से 90% ठीक हो चुकी है, 95% होगी ये मान लो। तो गाइस अभी क्या करते हैं, इसे बाहर निकालते हैं, इधर की साइड नहीं करने के, दवा से ज्यादा काम दुआ करती है। पिछले 1.5 दिन से इसे दूध का फटा हुआ पानी दे रहे, लेकिन कल रात चुप हो जा लेकिन कल रात इसे खाने में थोड़ा सा सेरेलैक दिया था, और अभी इसके लिए दही लेके आए हैं, इसे थोड़ी सी दही रखेंगे, बस बस बहुत है गाइस, इतनी थोड़ी थोड़ी दही रख के देखेंगे, और दिन में ना 4-5 बार रखेंगे। और गाइस हमने जो कबूतर रेस्क्यू करा था अभी उसी के पास आ गए, पहले करता हूँ दरवाजे बंद। और गाइस मेरे को ना जो चैलेंज करना था वो मेरे को बाद में करना पड़ेगा, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मतलब घर में एक तो काम चला हुआ है और दिवाली का सीजन आ गया, और दिवाली भी आ गई पास में, तो दिवाली पे कुछ खतरनाक करेंगे, चैलेंज करेंगे दिवाली से बाद में। पहले अपने इस कबूतर की हालत देखते हैं कैसी है। हाँ भाई कैसा है तू? अब ये यहाँ चढ़ गया, ये कह रही है मैं जब अंदर ले, खाने को मिल तो गया खाने को। वैसे हाँ इसके लिए दाना भी पड़ा हुआ है सारा, मैं इसे खाना दे रहा हूँ बिस्किट घोल के, और इसके लिए ना इंजेक्शन मेरी जेब में रखा हुआ है, इसकी वजह से हम इसे खाना पीना बस हम इसे खाना पीना खिला रहे, बट ये भाई उड़ना सीख जाए उसके बाद इसे आजाद कर देंगे। ये जंगली कबूतर है, अगर ये मेरे हाथ पे रहना सीख गया ना तो भाई कुमाली हो जाएंगे। ट्राई करने में क्या जा रहा, अगर सीख गया तो ठीक है, अगर नहीं सीखा तो भाई उड़ेगा तो है ही ये। व्यू को इधर बिठा दिया पटाखों की रखवाली करने के लिए, तब तक मैं लेके चलता हूँ। तू रखवाली कर यहाँ, अब पटाखे उठा लेके जाओ। कोई पटाखों की अनबॉक्सिंग करने का प्रोग्राम छत पे सोच रहे थे करना, लेकिन कैंसिल करके यहाँ प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि यहाँ ना मेज वगैरह भी है, इस मेज पे रख के ना सारे पटाखे अच्छे से दिख जाएंगे, तो इस मेज पे ही रख के सारे पटाखों की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वो वीडियो जिस वीडियो में तुम्हें सारे पटाखों के बारे में पता लगेगा कि हमारे पास कितने सारे पटाखे हैं, कौन कौन से टाइप के पटाखे हैं, वो सारे तुम्हें मेरे दूसरे चैनल रैपी के है क्या पे मिलेंगे, वहां जाके देख लेना भाई, और वहां ना भाई पटाखों को फोड़ेंगे अलग अलग तरीके से, कैसे कैसे हैं सब कुछ अलग अलग करेंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि एक बार यहाँ लगा के देख लेंगे, ताकि पता लग जाएगी भाई हमारे पास कितने पटाखे हैं। मुझे नहीं तुम्हें, इतने सारे पटाखे हैं ये देख लो भाई, सारे इकट्ठे हुए पटाखे पटाखे भरे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई एक बार नीचे भी चेक कर लो भाई, यहाँ की तरफ भी पटाखे पटाखे हैं। अरे पी के है क्या? तो गाइज वो वाला चैनल यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा होगा, उस पे जाओ और देख लो भाई कितने सारे पटाखों।
सारे पटाखे दिखा दिए, दोबारा पैक भी कर दिए, जाने वाले हैं अमेरिकन बुल्ली का पप्पी देखने के लिए। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई अमेरिकन बुल्ली का पप्पी ले लो, पप्पी ले लो। तो गाइज वो देखने के लिए जा रहे हैं, पहले देखते हैं, अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे। गाइज अभी पहुंच गए वहां जहां पे अमेरिकन बुल्ली के छोटे छोटे पप्पी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लो भाई, अल्फा की जैसी है, बिल्कुल अल्फा जैसा कलर है इसका, सेम टू सेम अल्फा जैसी लग रही थी, लेकिन अल्फा नहीं है, ये फीमेल है। हाँ भाई क्या नाम है तेरा? बिल्कुल अल्फा की जैसी है। ये आने शुरू हो गए छोटे छोटे क्यूट क्यूट से पप्पी, सारे पप्पी आ गए, लेकिन साथ में इनकी मम्मी भी आ गई। इस वाले पप्पी को देखो भाई, कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, सेम बिल्कुल मतलब अलग ही कलर लग रहा है इसका, तो ऐसा कलर तो यार ट्राई कलर बोल सको इसे तो भाई, ब्रिंडल भी है, ट्राई कलर है यार, देख ले ये अलग कलर, ये अलग कलर, व्हाइट कलर भी है। मेल है फीमेल? फीमेल है भाई। यार ये तो फीमेल है गाइस, गड़बड़ हो गई तो भाई, सारी फीमेल है, इतनी भी सारी की सारी है, ये सारी फीमेल है। और भाई जो सबसे पहले पसंद आई ना देखते ही भाई, वो ये वाला पसंद आया था पप्पी, बट भाई ये फीमेल है और ये मेल है। इसका कलर थोड़ा ब्लैक है, मतलब है तो सारे ट्राई कलर में ही, लेकिन इसका कलर ब्लैक है और इसका कलर थोड़ा मतलब अलग ही कलर है। सेल के लिए है भाई ये? भाई ये सेल के लिए भी है, अगर किसी को चाहते हो तो भाई ले लियो। ये भी बार बार प्लान बनना, मेरा तो प्लान नहीं बनना, मेरा प्लान तो मेल लेने का था, बट भाई फीमेल लेने का भी कभी कभी बने, आप लोग कमेंट करके बताना। बट भाई मन ये कर रहा कि जो ये फीमेल है ना, ये थोड़ी सी पसंद आ रही, वैसे ये मेल भी आ रहा लेकिन फीमेल ज्यादा आ रही। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा लेके चलेगा। प्लान बन गया दो बच्चे लेने का, एक मेल और एक फीमेल, मतलब जो भी पसंद आएंगे उसे रख लेंगे। अभी मैं नहीं ले रहा हूँ भाई, मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा कलर का वो हो गया, मेरे को फीमेल का कलर बहुत मस्त लगा था और ब्लैक कलर का मेरे पास रोक ही हो गया, तो मैं क्या करूँगा ब्लैक कलर को ही लेके, तो इसलिए मैंने वो वाला चीज कैंसिल। और इन्हें अभी दूध पिला रहे, पहले जब ये दूध पिलेंगे तब इन्हें घर लेके चलेंगे। चलो गाइस अभी लेके चलते हैं भाई घर पे, दूध दाद सारा पी लिया। अबे 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 ये तो भूख भी रही। अबे ओए आजा आजा इधर आजा, चल रहे थे ये घर लेके। एक ये ले लिया और एक ये पप्पी ले लिया। गाइस इन्हें ठंड ना लगे इसलिए गाड़ी में लेके चलते हैं। गाइस फाइनली दो पप्पी ले लिए, एक फीमेल ले ली और एक मेल ले लिया। बट गाइज मेरे को ये फीमेल पसंद आई थी, मतलब इसका कलर बहुत प्यारा लगा था और अभी मेरा मन तो कर रहा लेने का, बट भाई यार कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये फीमेल होगी। और सोच रहा हूँ मैं, अभी मेरा कुछ नहीं पता, ये अपने पास ही रहेंगे अभी, जब तक ये अपने पास रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मन बन गया ना, आप लोग भी कमेंट करना, तब भाई फिर बना लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर ले लेंगे। और गाइज अभी सामने रोकी आ रहा, रोकी से भी मिलवाएंगे पहले इन्हें। ये रहा भाई रोकी। गाइज रोकी को पहले घुमाने के लिए ला रखा, रोकी पप्पी को देख के क्या रिएक्शन करेगा। पहले तो रोकी मेरे पास ही आना चाह रहा, मैं पप्पी लाया तेरे लिए। देखते हैं रोकी क्या रिएक्शन देगा इसे देख के, कुछ भी नहीं कह रहा। वैसे ये पूरा फ्रेंडली है भाई, बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ये देख लो कैसे कैसे मिल रहा, पूरा चाट रहा इसे। दूसरे पप्पी को भी लेकर आ गए, दोनों पप्पी को रोकी के पास ही छोड़ दिया। रोकी इनके साथ बढ़िया से मिल रहा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, देख लो कितना ज्यादा फ्रेंडली है, पूंछ भी पूरी एंटीने की तरह हिला रहा, मतलब कि रोकी ऐसा नहीं है कि भाई किसी की भी तरफ को अटैक कर देगा। रोकी गाड़ी के पीछे भाग पड़ा क्योंकि गाड़ी में बच्चे चले गए ना। आ जाओ लिया लिया वापस, खींच ले रोक रोक इसे रोक रोक। गाइज रोकी ऐसे ही नहीं रुकता भाई, ये देख लो रोकी की बस एक ही आंख चमके, दूसरी आंख कितनी लेट चमकेगी लाल कलर की। और गाइज अभी जा रहे हैं सारे के सारे बैठ के वीआईपी बम को टेस्ट करने के लिए, देखते हैं भाई कितनी आवाज करने वाला है वीआईपी बम। पानी के बीच में रख दिया सुतली बम, मतलब डब्बे में डाल गया, पानी नहीं है इसके अंदर, अब लगाते हैं इसमें आग। भाई साहब भाई इतना खतरनाक वीआईपी बम नहीं देखा मैंने आज तक, भाई साहब पूरा इलाका हिला दिया इसने तो भाई। जब की बार वीआईपी बम को हवा में पटकाएंगे, मतलब कि इसमें आग लगा के ना ऊपर हवा में फेंक देंगे पूरे ऊंचाई, एकदम ना पटक जाए। यार ये पानी में आके गिर गया इसलिए नहीं पटका भाई, कितना खड़का करेगा अब की बार। भाई बम इधर पटका है लेकिन खड़का